नमस्कार। आज हम देखते हैं रोलैंड XP60 में LFO के बारे में कुछ डिटेलिंग करने की आज हम कोशिश करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने ये एक रोलैंड XP60 में हमारा एक साउंड ओपन है। ये प्रीसेट सेक्शन बी बैंक 124 मैजेस्टिक ट्रम्पेट, और ये साउंड अगर हम देखें तो एक ही साउंड से बनाया हुआ है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं, आज का सेशन हमारा है LFO, लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो वो कैसे वर्क करता है, उसका रोल क्या है? तो सीधे सीधा हम इसको रॉ समझते हैं। जैसे अभी ये साउंड, हाँ, इसमें थोड़ा हल्का सा रिवर्ब वगैरह इफेक्ट है, लेकिन साउंड एकदम फ्लैट चल रहा है। अभी हम लोग यहां पर पिच बेंडर या मॉड्यूलेशन की बात नहीं कर रहे, हम सीधे सीधा साउंड को जैसे हम नॉर्मली प्ले करते हैं तो उसी हिसाब से ये साउंड का क्या सिस्टम है या कैसे है। चलिए, हम सबसे पहले अगर ये फैट टाइम को अगर हम यहां से जैसे चेंज करते हैं तो सामने हम देखते हैं ये फिगर चेंज होते जा रहा है। मतलब ये हल्के से धीरे से चालू होगा और धीरे 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 वो अपना इफेक्ट बढ़ाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है। चलिए, सिर्फ हम इसको एक नंबर पे रखते। आज हम क्या करने वाले हैं कि नॉर्मली LFO लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का क्या, कौन सी फंक्शन का क्या रोल है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज हम इसका लेवल है, वो लेवल अगर एक बार के लिए हम कर लेते हैं मैक्सिमम, ये है हमारा 63। आप देख रहे हैं वाइब्रेटो इफेक्ट चालू हुआ। अभी हम लोग मॉड्यूलेशन यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ की को डायरेक्ट प्ले करते हैं। ये वाइब्रेटो इफेक्ट चालू हुआ है, जैसे हम हारमोनियम देखते हैं और उसमें जब एयर ब्लो होता है या फिर ट्रम्पेट जब कोई ब्लो करते हैं तो जैसे जैसे उनका ब्रीदिंग जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से हम यहां पर देख रहे हैं। फिर जैसे हम इसका पिच बढ़ाते हैं, ये दो चीजें एक साथ में चेंज हो रही है। जैसे जैसे पिच बढ़ेगा वैसे वैसे आपको वाइब्रेशन का, वाइब्रेटो इफेक्ट ज्यादा होते हुए दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये हो रहा है डायरेक्ट हमारे की, ब्लैक एंड व्हाइट की से ये हो रहा है। इसके अंदर कोई हमारा मॉड्यूलेशन यूज नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं है। तो आइए मैं एक बार यहां से आपको दिखाता हूं। हम नॉर्मली जैसे हमारे ये की प्रेस करते हैं तो ये यहीं से हो रहा है। इसके लिए कोई भी हमारा पिच बेंडर का ऊपर का मॉड्यूलेशन हम यूज नहीं कर रहे। तो आपको आपका कितना वाइब्रेटो इफेक्ट चाहिए है आपके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, चाहे आप सैक्सोफोन बजाते हैं चाहे आप ट्रम्पेट बजाते हैं, और उसमें फिर अगर आपको यहां से ही ये ब्रीदिंग इफेक्ट चाहिए विदाउट मॉड्यूलेशन तो आप यहां से उसका इफेक्ट ले सकते हैं। आइए हम इसको 3 करके देखते हैं। तीन पे भी एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है। चलिए, उसको कोई कॉन्सर्ट टाइप होता है जहां पर इस टाइप के बहुत इंस्ट्रूमेंट बजते होते हैं, उसमें कुछ वाइब्रेटो इफेक्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेम यही इफेक्ट आप वाइब्रो में भी दे सकते हैं। हमारा जो वाइब्रा है, वाइब्राफोन, जिसमें हमें इस टाइप का ट्रेमेलो इफेक्ट चाहिए होता है, तो हम लोग ट्रेमेलो इफेक्ट उसको यहां से दे सकते हैं।
ये जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं ये बहुत हॉरिबल होते जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ इस बात को समझना है कि ये मैक्सिमम करने से क्या होता है, इसको 63 किया। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पिच बढ़ रहा है उसका इफेक्ट इसके साथ बढ़ते जा रहा है। तो हम इसको पहले 6 करते हैं और यहां से हम इसका लेवल भी जैसे कवर कर कम या ज्यादा करते जाएंगे और सामने हम अगर इसको इसको बढ़ाते चल रहे तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस यहाँ पर हम कितने पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं। एक हमारा ये रेट है उसको जैसे 94 कर दीजिए या मैक्सिमम जितना आपको जरूरी है 127 का। ये फिगर ही हमें दिखा रहा है कि ये इसका जो वाइब्रेटो इफेक्ट है वो बहुत ही कम 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 स्पेस में हो रहा है। इसको जैसे हम कम कर देंगे तो आप देख रहे हैं ये इसका टाइमिंग बढ़ गया है। तो एक तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रेट जैसे आप बढ़ाएंगे, रेट को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपका वो मतलब आपको जो वाइब्रेटो फील चाहिए जिस टाइप का चाहिए आप यहाँ से सबसे पहले उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप यहाँ से इसको आप ये देखिए इसका फैड टाइम जो है, मतलब फैड का मतलब आप समझते हैं कि साउंड धीरे 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 खुलेगा और धीरे धीरे बंद होगा। अगर इसको हम मैक्सिमम कर लेते हैं एक बार के लिए तो ये बहुत स्लोली चालू होके आगे बढ़ेगा और फैड फैड इन फैड ऑफ ये दूसरे कीबोर्ड्स में होता है। कोई साउंड को आप हल्के से धीरे 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 स्लोली बंद करना चाहते हैं, स्लोली ओपन करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहाँ एक रखेंगे ताकि हमें इक्वल ओपनिंग एक सेम मिले। फिर जैसे हम यहाँ से उसको पिच बढ़ाएंगे और इसका लेवल करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 इफेक्ट है जो आपका इंस्ट्रूमेंट में आप नॉर्मल प्ले करते होंगे तब आपका वाइब्रेटो इफेक्ट विदाउट मॉड्यूलेशन आपको डायरेक्ट की से लेना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आज का हमारा LFO 1, उसमें डायरेक्ट हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में सीधा वाइब्रेटो इफेक्ट हम कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए अभी मैंने आज ये एक सेशन किया है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और अगर इसी के अंदर आपको कोई कमेंट्स है या फिर आपको कोई सुझाव है, आपके सजेशंस है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये कोई मेरी मिस्टेक है तो आप मेरे YouTube चैनल में या फिर Facebook में आप मेंशन कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में हम उसको करेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।